आज के सेशन में हम ज़्यादातर डिप्रेशन के बारे में ही बात करेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, डिप्रेशन आया तो डिप्रेशन आया क्यों? हम सोचिए जरा गौर से कि डिप्रेशन आया क्यों, कि व्यक्ति के जीवन में ऐसी कोई समस्या आई, ऐसे कोई नेगेटिव हालात हुए, इस वजह से व्यक्ति डिप्रेशन में आया है। यही वजह है ना, सब कुछ ठीक चलता रहता है, बिल्कुल नॉर्मल, बहुत बढ़िया, तो किसी को डिप्रेशन आएगा? किसी को नहीं आएगा। लेकिन कोई ना कोई समस्या आई, हालात विपरीत हुए, तो डिप्रेशन आया। तो डिप्रेशन ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? जो भी नेगेटिव हालात हुआ है, जो भी समस्या आई है, उसको अगर व्यक्ति ठीक करेगा तो क्या होगा? डिप्रेशन चला जाएगा। एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं कि मानो कि कोई व्यक्ति फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, बहुत सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, कोई लॉस कर दिया, इससे डिप्रेशन आ गया। अब डिप्रेशन ठीक करने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए? क्या होगा तो डिप्रेशन जाएगा? वो प्रॉब्लम सुलझ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अब मानो कि उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, उसको कहीं से पैसे मिल जाते हैं, बैंक लोन देती है या कोई दोस्त से मिल जाते हैं या कोई सपोर्ट कर देता है, और प्रॉपर सपोर्ट करके फाइनेंशियली व्यक्ति अगर स्टेबल हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व, डिप्रेशन खत्म। तो यही एक वजह है कि अगर कोई भी मानसिक बीमारी ठीक करनी है तो जिस वजह से बीमारी आई है वो वजह ठीक हो जाएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको इस सेशन में ये बतानी है कि ऐसा कैसे होगा। कोई भी हालात अगर नेगेटिव हुआ है, अगर व्यक्ति हालात को पॉजिटिव कर लेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब सबसे बड़ी समस्या ये है, आपके माइंड में भी यही सवाल चलेगा कि हालात को कैसे बदला जाए। नेगेटिव हालात खड़े हुए हैं आपकी ज़िंदगी में, या आप कोई अचीवमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या चाहिए? आप कोई अचीवमेंट करना चाहते हैं और नहीं हो रहा है तो भी डिप्रेशन आएगा, हालात नेगेटिव हो चुके हैं तो भी डिप्रेशन आएगा। तो आपको ज़रूरत है कि हालात जो नेगेटिव हुआ है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और जो भी अचीव करना चाहते हैं वो हो जाना चाहिए, इससे डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन आज तक इस पर कोई बात नहीं हुई है, ना किसी डॉक्टर द्वारा, ना कोई और व्यक्ति द्वारा। तो आज मुझे आपको ये बताना है कि आप किस तरह से हालात को बदल सकते हैं, किस तरह से आप समस्याओं का सामना कर सकते हैं, यानी किस तरह से आप कोई भी समस्या को हल कर सकते हैं, और किस तरह से आप कोई भी अचीवमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई है इंसान के जीवन में कुछ भी बदलने के लिए, कुछ भी हासिल करने के लिए, एक चीज़ लगती है, वो है एनर्जी। क्या लगता है? एनर्जी ही सब कुछ है। यानी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कोई बीमारी ठीक करनी है, आपको शारीरिक बीमारी ठीक करनी है, आपको मानसिक बीमारी ठीक करनी है, आपको कोई समस्या का हल करना है, या आपको कोई अचीवमेंट करना है, एक ही चीज लगती है, वो है एनर्जी। एनर्जी के सिवा आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। आपके अंदर एनर्जी है तो बड़ी समस्या भी आपको छोटी लगेगी। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आप एनर्जी लेस हैं, तो आपको छोटी समस्या भी बहुत बड़ी लगेगी। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्या करेंगे? तो जो लोग एनर्जी रखते, जिसका एनर्जी लेवल ठीक ठाक है, जो लोग एनर्जेटिक है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है। तो आपको एक ही चीज पर ध्यान देना है कि आप आज कोई भी प्रॉब्लम में है, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए आपके अंदर एनर्जी होनी ही चाहिए। एनर्जी इज अल्टीमेट। कोई भी चीज, समझ लो, दुनिया में कोई भी चीज अगर रूपांतरित होती है, कोई भी चीज में बदलाव होता है, एनर्जी लगती ही है। एनर्जी से ही चीजें बदलती है, एनर्जी के बिना कोई भी चीज में बदलाव संभव ही नहीं है। तो समस्या का हल भी संभव नहीं है, बीमारी भी ठीक नहीं होती है। अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो आपको पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर संचारित करनी पड़ेगी, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर पैदा करनी पड़ेगी, और पॉजिटिव एनर्जी आप एनवायरनमेंट से आपके अंदर रूपांतरित कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों की इसके बारे में कुछ पता नहीं, तो एनर्जी एनर्जी बात होती है, समझते हैं कि एनर्जी चाहिए, एनर्जी आएगी कहाँ से, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एनर्जी आएगी कहाँ से, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो समस्या कोई भी है, हल केवल एनर्जी से होता है। इस चीज पर, इस सेंटेंस पर इतना रट्टा मारो, इतना रट्टा मारो कि आपका दिमाग सही चीज को समझ ले।
बार बार इसी चीज को समझिए कि कोई भी समस्या का समाधान एनर्जी से ही होता है। सही एनर्जी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। सही एनर्जी यानी पॉजिटिव एनर्जी। अभी बात यही आकर रुकेगी कि एनर्जी आएगी कहां से, हम लाएंगे कहां से। तो सबसे पहली बात यह समझनी है कि ब्रह्मांड एनर्जी से भरा हुआ है। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज है तो एनर्जी है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एनर्जी अनलिमिटेड है और बिल्कुल फ्री है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, हमारे हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजों की हम कमी महसूस करते हैं। कभी कभी देखते हैं मार्केट में कि प्याज की कमी हो गई, कभी कभी पेट्रोल की कमी हो गई, कभी कभी बिजली की कमी हो गई, बहुत सारी चीजों की कमी होती है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि एनवायरमेंट में, ब्रह्मांड में कभी एनर्जी की कमी होती ही नहीं है, अनलिमिटेड है एनर्जी। तो हमारी जितनी ताकत है, जितनी एनर्जी हम चाहते हैं, इतनी एनर्जी हम ब्रह्मांड से ले सकते हैं। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें कोई कोटा नहीं है कि आपका इतना ही एनर्जी आपको मिलेगा, कोई लिमिट नहीं है। आपको चाहे इतनी आप एनर्जी ले सकते हो। और एक बात जैसे आपको कल बताया था, हाँ शायद आपको ही, हिंदुओं में एक पुराण होते हैं, शास्त्र होते हैं, पुराणों की कहानियां में ये होता है कि जब भी देव और दानव को कोई समस्या होती है या कोई अचीवमेंट करना होता है या कोई लड़ाई लड़नी है तो वो क्या करते थे, तपस्या करते थे। और क्या मांगते थे, शक्ति मांगते थे, यानी एनर्जी मांगते थे। किस से, भगवान से या महादेव से तपस्या करके वो शक्ति मांगते थे। यानी कि हर चीज शक्ति से ही होती है, उन लोगों को पता था, चाहे देव हो या दानव हो, उसको पता था कि अगर हमें युद्ध जीतना है या कोई अचीवमेंट करना है तो हमें शक्तियां पैदा करनी होगी, हमें शक्ति हासिल करनी होगी। हम शक्ति हासिल करेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं। तो आज ये चीजें सबको समझनी है। सबसे पहले आपको समझनी है कि आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर एनर्जी है, तो ही आप कुछ कर सकते हो। इसके बिना संभव ही नहीं है। आपने बहुत साल दवाई खाई, आपने भी शायद खाई नहीं कि पता नहीं, लेकिन क्या रिजल्ट हासिल हुआ, कुछ भी तो नहीं। तो ये चीज इसलिए नहीं हुई कि आपने दवाई खाई लेकिन एनर्जी बढ़ाने के लिए आपने कोई काम नहीं किया। अगर आप एनर्जी बढ़ाने के ऊपर ध्यान देते तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली थी और पूरे सब ठीक होने वाले थे। तो चलो आज तक जो भी हुआ भूल जाओ उसको, कोई गलतियां होती हैं या शायद समझ में नहीं होता है तो आप नहीं कर सकते। लेकिन आज इस सेशन से अच्छी तरह से समझ लेना है आपको भी और जो लोग ये वीडियो देखेंगे सबको, कि आपको कोई भी समस्या के लिए सबसे पहला काम करना है अपना एनर्जी लेवल बढ़ाओ। एनर्जी लेवल बढ़ाने की कोशिश करो हमेशा 24 घंटे, 24/7 पूरी जिंदगी एनर्जी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आप अपने अंदर जाके देखो, अपनी जिंदगी पहले ऑब्जर्व करो, आपको प्रॉब्लम क्या है। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको शारीरिक बीमारी है, आपको मानसिक बीमारी है, आपको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, या आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको आपकी एनर्जी लेवल चेक करना है। अब चेक करें, उसका मीटर तो है नहीं, पता नहीं कैसे एनर्जी चेक की जाए, लेकिन आपको पता चलेगा आपकी एनर्जी क्या है आपकी सोच से। अगर आपकी सोच नेगेटिव रहती है, बार बार नेगेटिव फोकस हो रहा है, नेगेटिव इमेजिन हो रहा है, तो आपका एनर्जी लेवल डाउन है, समझ रहे हो। अगर समस्याओं के बावजूद भी आपका फोकस पॉजिटिव हो सकता है, समस्याओं के बावजूद भी आपकी इमेजिन पॉजिटिव होती है, आपको दिख रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और हम अच्छी जिंदगी, हम कुछ अच्छा हासिल कर रहे हैं, ये चीज आपके दिमाग में आ रही है, तो आपके अंदर एनर्जी है। यानी कि पॉजिटिव फोकस होने के लिए, पॉजिटिव इमेजिन होने के लिए आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। जितने भी लोग दुनिया में नेगेटिव सोच रखते हैं, नेगेटिव इमेजिन करते हैं, नेगेटिव एहसास में है, इसकी एक ही वजह है एनर्जी लेवल डाउन, या तो एनर्जी है ही नहीं। और जो लोग एनर्जी से भरे हुए हैं वो किसी भी हाल में पॉजिटिव फोकस कर सकते हैं, पॉजिटिव एहसास कर सकते हैं, चाहे उसके सामने समस्या का पहाड़ क्यों ना खड़ा हो। समस्या का हिमालय सामने खड़ा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पूरी तरह से भरोसा है कि ये समस्या भी ठीक होगी, हम इससे बाहर आने ही वाले हैं, ये इसके अंदर भरोसा होता है। ये कब होता है, व्यक्ति के अंदर जब एनर्जी होती है।
तो आपको और सब ये वीडियो देखने वाले को एक ही चीज पर ध्यान देना है कि हमारी एनर्जी लेवल अभी शायद कम है तो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम फेस करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको एनर्जी लेवल बढ़ा के समाधान इसका हल कर लेना है, एनर्जी लेवल बढ़ा के समस्या का समाधान कर लेना है, क्योंकि इसी तरह से ही होता है। अब ये चीज आपको बार बार प्रैक्टिकली कराई जाती है यहाँ पर अलग अलग सेशन में। तो जैसे आपने बताया कि आप वो एनएलपी प्रैक्टिस करते हैं, जरा चिल्ला के फीलिंग के साथ में कॉन्फिडेंट हूँ मैं, पावरफुल मैं, एनर्जेटिक हूँ, इससे ही आपके अंदर एनर्जी आती है, इससे आपके अंदर एनर्जी आती ही है। अगर आपने महसूस किया हो तो आपको पता चलेगा कि इसके बाद आपकी सोच क्या रहती है, आपकी बॉडी क्या बताती है, आपको कितना एनर्जेटिक फील होता है, होता है कि नहीं होता, आप बोलिए होता है, यानी कि आपके अंदर एनर्जी आई हुई है, आपके अंदर एनर्जी का संचार हुआ है। दूसरी प्रैक्टिस आप करते हैं हिप्नोथेरापी। जब आप हिप्नोथेरापी प्रैक्टिस करते हैं उसमें भी आपको बार बार सबसे पहली शुरुआत इसी तरह से होती है। हिप्नोथेरेपी में शुरुआत इसी तरह से होती है कि आपके ऊपर आसमान से प्रकाश आ रही है, प्रकाश के रूप में आपके अंदर एनर्जी आ रही है। अगर आप इस पर बहुत गौर करते हैं, आप इसको रियलाइज करते हैं, तो रियल में आपके अंदर एनर्जी आती है, आपके अंदर एनर्जी आती ही है, क्योंकि जैसी आपकी सोच होती है, जैसा आपका इमेजिन होता है, वही चीज़ आपके साथ होती है। तो अगर आप इसमें भरोसा करते हैं और अगर आप बिलीव करते हैं तो आपके अंदर एनर्जी का संचार होता ही है। तो इसी तरह से आपको एनर्जी हमेशा बढ़ाते रहना है। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपको वक्त मिलता है तो आंखें बंद करके आपको एक अच्छी जगह पर बैठकर आंखें बंद करके फीलिंग के साथ इमेजिन करना है कि मेरे ऊपर व्हाइट रेस के रूप में, सफ़ेद प्रकाश के रूप में मेरे अंदर एनर्जी आ रही है। ये आप कोई भी जगह पर, यानी शांत और अच्छी जगह पर आप कर सकते हैं। तो आपको हमेशा आपकी ज़िंदगी में यही करते रहना है, इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना देना है, इस पार्ट ऑफ लाइफ। यानी कि कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती है अगर आप एनर्जी अंदर भरते रहते हैं। तो आज के बाद आप जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम, अभी जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही है, इसके लिए भी ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, इसे आप ठीक करने वाले हैं। इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप कैसे ठीक करोगे? यस, कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर भी आती है तो एनर्जी से ही ठीक करना है, एनर्जी लेवल को और इम्प्रूव करना है और एनर्जी को बढ़ाना है, बस यही समाधान है। दुनिया चाहे अभी अंधेरे में ढूंढ रही है कि समाधान क्या है, समाधान के बारे में पूरी दुनिया अंधेरे में, क्योंकि समाधान मिलता ही नहीं लोगों को। लेकिन अगर पास में देखे जाए, अगर हमारे जो भी पास के अंदर जो भी चीज़ें हुई इसको आप ध्यान से देखो, हमारे शास्त्रों को देखो, इसमें सारी समस्याओं का समाधान बताया हुआ ही है कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान कैसे मिलेगा। तो इसमें यही बातें बताई गई है कि आप अपनी एनर्जी पर ध्यान दो, अपनी एनर्जी बढ़ाने की हर बार कोशिश करो, हमेशा कोशिश करो, देयर इज सॉल्यूशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये चीज़ें आज तक हमें किसी ने बताई नहीं, हमने ऐसा कुछ किया नहीं। प्रॉब्लम हुआ तो हम क्या करते रहे, प्रॉब्लम होते तो क्या करते हैं, भागते फिरते हैं ढूंढने के लिए, इधर इधर सॉल्यूशन मिलेगा। जब भी प्रॉब्लम आती है तो व्यक्ति कोई महात्मा के पास जाता है, कोई पंडित के पास जाता है, कोई तांत्रिक के पास जाता है और अपनी समस्या का समाधान ढूंढता है। आपको अगर मिला है तो अच्छी बात है, और मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई समाधान मिलेगा, क्योंकि कोई भी जगह से आपके अंदर एनर्जी भरने की कोशिश नहीं की गई है, ना कोई तांत्रिक ने, पंडित ने, ना कोई व्यक्ति ने आपके अंदर एनर्जी भरने की कोई चीज़ आपको बताई और इसलिए समाधान नहीं हुआ। तो आज के बाद आपको कोई भी समस्या में निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, आपको टूटना नहीं है कि इतनी बड़ी समस्या आई गई तो क्या करें। अरे चाहे जितनी भी बड़ी समस्या आने दो, जितनी बड़ी समस्या इतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, जितनी ज़्यादा समस्या होगी तो इतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो हमें इतनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी और क्या है, बस समाधान तो है ही। तो बस आप इतनी एक बात, एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि समस्या का समाधान होता ही है एनर्जी से, बस हमारी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, इसके सिवा कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई चीज़ जानने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत है ही नहीं।
आप और कुछ चीजें बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत सारी आपने एजुकेशन हासिल कर ली, आपने अच्छी अच्छी डिग्रियां ले ली, आपने फॉरेन की डिग्रियां ले ली, सब कुछ आपने हासिल कर लिया, लेकिन आपने एनर्जी बढ़ाना नहीं सीखा तो क्या होगा, आपकी सारी डिग्रियां बेकार है, आपने सीखी हुई सारी कला बेकार है, आपने सीखा हुआ सब कुछ गलत है अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है। आप कला सीखे, एनर्जी के अंदर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो कला का क्या आप इस्तेमाल करोगे, आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं है तो आपकी डिग्रियों का क्या फायदा है, कुछ नहीं होता है। तो बस छोटी सी बात है, इस बात से आपके अंदर हमेशा एक जोश बना रहेगा, इस बात से कि एनर्जी सब कुछ है, एनर्जी सॉल्यूशन होता है, एक बात अगर आपने समझ लिया, आप कभी नेगेटिव हो नहीं सकते, आप कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते, आप कभी डिप्रेस नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, और ये व्यक्ति कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होता। जिसके पास सॉल्यूशन होता है, समाधान होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता, उसको कभी डिप्रेशन नहीं होता। तो मैंने आज इस सेशन में आपको सॉल्यूशन दिया है कि कोई भी प्रॉब्लम एनर्जी से ही ठीक होती है, एनर्जी बढ़ाओ और कुछ मत करो, और यहां रह के सेंटर पर रह के आपको यही चीजें करनी है। अच्छी तरह से पहले सीखना है कि कैसे एनर्जी बढ़ाई जाए, और इसके बाद उसको हमेशा करते रहो, हमेशा करते रहो, हमेशा करते रहो। यहाँ सेंटर पर भी आप करोगे, और आप घर पे जाओगे वहां पर भी आपको इस पर ही ध्यान देना है कि मेरी एनर्जी लेवल क्या है। जब भी नेगेटिव सोच आए, डरने का नहीं, घबराने का नहीं, कोई बड़ी समस्या दिख रही है, जरा भी प्रभावित नहीं होना, आराम से बैठकर सोचना कि अब मुझे एनर्जी बढ़ानी है, कैसे बढ़ाऊंगा। हर चीज में यही करो, बड़ी से बड़ी समस्या आती है, आराम से बैठो सोचो, बड़ी समस्या है, ज्यादा एनर्जी चाहिए और मैं पैदा करूंगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए तो मैं हासिल कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही समाधान है। तो दुनिया के लोग अगर इतना समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस इसके लिए पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, पैदा करो, वो हासिल करो, कर सकते हैं, और कहा कि बिल्कुल फ्री में है, तो फिर क्या है, ये जो हम एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर चला रही, पंखा चला रहे इसी, तो इसका तो हमें बिल पे करना होता है ना, हर महीने दो महीने इसका बिल लगता है। लेकिन जो हम एनवायरमेंट से जो भी एनर्जी लेते हैं बिल्कुल फ्री में है, पूरी जिंदगी लेते रहो, एक रुपया चार्ज नहीं लगता। ये पता नहीं लोग समझते नहीं हैं, एनर्जी को हासिल नहीं कर पाते, एनर्जी को अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाते, तो फिर प्रॉब्लम में रहेंगे, बीमार रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, दुखी रहेंगे। बस इतनी सी ही बात है, बस एक बात आज के सेशन से आप दिमाग में इतनी गहराई से घुसा कर आप यहाँ से बाहर निकलेंगे कि हर प्रॉब्लम का समाधान एनर्जी से ही होता है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है आपकी एनर्जी के सामने, आपकी ताकत के सामने कोई भी चीज़ बड़ी नहीं हो सकती, कोई भी हालात, कोई भी समस्या आपकी ताकत से कभी बड़ी नहीं हो सकती। ये चीज़ें समझनी होगी कि मेरी ताकत से कोई समस्या बड़ी नहीं है। कोई भी चीज़ आई तो चलो किसी भी तरह से उसको सीधा करेंगे, हल करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और अपने हर ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति हमेशा के लिए पॉजिटिव रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और कॉन्फिडेंट रहे। इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कॉमेंट में बताइए, और आप हमसे कैसी वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम आने वाले समय में आपको इस पर वीडियो दे सकें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।